तो मैं कहता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे, भाई को भी दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों मेरे पास ये 1000 वाट का इन्वर्टर आया हुआ है, ये सुपर कंपनी का है दोस्तों। तो इसमें चालू है, वर्क कर रहा है, इसमें पावर नहीं आ रहा, ठीक है, ऑन ऑफ हो रहा है, इसमें करंट बिल्कुल शो नहीं हो रहा, बिल्कुल 0/0 है। तो इसमें मैं आप दोस्तों को मीटर लगा कर वोल्टेज चेक कराता हूँ, कुछ भी नहीं है, वोल्टेज 0 है, ठीक है। कोई भी वोल्ट शो नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले कर लेते हैं ओपन। जी दोस्तों, इसको मैंने जैसे ओपन किया, देखो इसमें एक फिल्टर भी इसका फूला हुआ है, फिल्टर भी फूला हुआ है। इसमें मॉस्फेट वगैरह, ये जो साइड वाले देख, यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ आपको, देखो दिखने मारा है ना, ये वाला मॉस्फेट भी फटा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये देखो लकीर आ रही है आप दोस्तों को दिखने में आ रही है। तो ये मॉस्फेट भी फटा हुआ है। सबसे पहले अपन सर्किट को कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ओपन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने देखो सर्किट ओपन कर लिया, अभी आप दोस्तों को दिखने में आ रहा होगा, ये देखो फटा हुआ है। तो ये मॉस्फेट दोनों अपन बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद ये वाला मॉस्फेट नहीं निकालेंगे, ये दोस्तों निगेटिव पर लगा हुआ है, ठीक है, ये करंट पर लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये ख़राब भी हो जाए तो इसमें अपन जंपर कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये ख़राब नहीं, ऑलरेडी सही है, इसमें पावर आ रहा है, ठीक है, ये पावर के एरिया में लगा हुआ है। बाकी ये जो दो है ना, वो अपन को चेक करने होंगे, दोनों बाहर निकाल के चेक करने होंगे, भाई दोनों ख़राब है, एक ख़राब है। तो सबसे पहले अपन ये बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालने के बाद अपन को यहाँ पर बेस वोल्ट चेक करने होंगे, अगर बेस वोल्ट ठीक बन रही है तो फिर अपन ये IR वापसी न्यू लगा देंगे। अगर यहाँ पे बेस वोल्ट नहीं बन रही तो अपन को दो तीन चीज़ें चेक करनी होंगी। एक तो ये रेस्टोरेंट की देखो फटी हुई है ऑलरेडी, दोनों रेस्टोरेंट फटी हुई हैं। उसके बाद ये ट्रांसफर भी चेक करने होंगे दोस्ततों, एक PNP होता है, एक NPN होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें से ट्रांसफर चेक करेंगे अपन, कौन कौन से ख़राब है, या ट्रांसफर सही है, खाली रेस्टोरेंट ख़राब हुई है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों इसके मॉस्फेट मैंने निकाल दिए, ठीक है, ये दोनों मैंने निकाल दिए। बाकी अभी अपन चेक करेंगे इसके बेस वोल्ट, और अगर ठीक बन रहे हैं तो फिर अपन मॉस्फेट इसमें लगाएंगे। मॉस्फेट लगाने से पहले आउटपुट पे जो IR लगे हुए हैं 4, ये अपन को चेक करने होंगे, ठीक है, ये वाले दोस्तों, क्योंकि इसमें शार्टेज वगैरह होगी तो फिर दोबारा ये आए जल जाएंगे। और ये फिल्टर इसका ख़राब है, ये भी अपन को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले अपन को यही चेक कर लेते हैं, इसमें दो रेस्टोरेंट ऑलरेडी आप दोस्तों को दिखने में आ रही है, ठीक है दोस्तों, ये दो रेस्टोरेंट ख़राब है, ये 10 ohms की है, ये चेंज कर लेंगे। उसके बाद अपन चेक करेंगे बेसिंग, इसकी बेसिंग आगे यहाँ पे प्रॉपर ठीक बन रही है, तो फिर अपन लगाएंगे मॉस्फेट, ठीक है दोस्तों। तो मैंने फिल्टर भी ओपन कर दिया और रेस्टोरेंट भी ओपन कर दिया, तो रेस्टोरेंट लगाते हैं और फिल्टर लगाते हैं, उसके बाद बेसिंग चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी अपन इसकी बेसिंग चेक करेंगे, ये नेगेटिव पे नेगेटिव रख देंगे और यहाँ पे बेस वोल्ट चेक करेंगे। रेस्टोरेंट मैंने दोनों चेंज कर दिए, ठीक है, देखें इसकी बेसिंग आ रही है, और यहाँ पे चेक करेंगे, एक जैसी आ रही है, ठीक है दोस्तों, एक जैसी, देखो ये कोई फर्क नहीं है, एक जैसी वोल्ट आ रहे हैं। तो इसमें किसी में 19 और 20 भी होगा ना, इसमें वोल्ट कम होंगे या इसमें थोड़े ज़्यादा होंगे, या इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें थोड़े कम होंगे, तो ये IR जल जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान देना, ये थोड़े बहुत अगर ऊपर नीचे वोल्ट होते हैं ना, इसमें ये वाले ट्रांसफर इसके ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ओपन ओपन करके चेक करना होगा, कोई भी एक वीक हो जाता है तो इसमें 19-20 वोल्ट हो जाते हैं। तो अभी इसके वोल्ट बराबर ओके एक जैसे आ रहे हैं, तो अभी इसमें लगाएंगे अपन 3205। अमूमन दोस्त कमेंट करते हैं, या दोस्तों इसमें नंबर ये लगा हुआ है, इसमें देखो HY 1707 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये नंबर तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं तो 3205 ही लगाता हूँ इसमें। मैं दोस्तों से बात शेयर करता चलूँ, कोई भी इन्वर्टर आपके पास रिपेयर होने के लिए आ जाए, ठीक है दोस्तों, कोई भी रिपेयर करने के लिए इन्वर्टर आपके पास आ जाए, तो उसमें आपको पता कैसे लगे भाई इसमें नंबर दूसरा लगा हुआ है, अभी ये नंबर तो मिल नहीं रहा है, अभी इसमें कौन सा लगाएं। तो दोस्तों जिसमें DC साइड में अपन को वोल्ट मिलते हैं, वहाँ पर अपन को 3205 लगाने होंगे, और AC साइड वाली जो साइड है उसमें नंबर भले कोई भी लगा हो आपके पास,
अगर ये अवेलेबल नंबर ना हो तो आप 740 840 इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, वो लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें लगाते हैं 32.05। ठीक है दोस्तों, तो ये 32.05 में इसमें लगा रहा हूँ। एक बात और भी आपसे दोस्तों से कहनी थी दोस्तों, ये देखो हमारे पास तो ये काबली मिल जाते हैं, इसके प्रिंट बने पिने बनी हुई है। ठीक है, इसके जो टांगे लाते होती है ना, ये बनी हुई है, ये रिकंडीशन मिलते हैं, फिर उसकी लाते बना के बेचते हैं। ठीक है, तो ये काबली होते हैं, ये जेन्युइन होते हैं, अमूमन मार्केट से जो लोकल मिलते हैं वो इतने जलते नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखना। तो जब भी आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हो तो ये हर मार्केट से तकरीबन काबली मिल जाते हैं, इसके ये प्रिंट है ना वो बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको चेक करके लेना, अमूमन ख़राब ही होते हैं कभी कभार। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो ये दो आईआर ख़राब थे, वो फिल्टर ख़राब था, मैंने लगा दिए और दो रोशने भी चेंज किए, अभी करते हैं इसको ऑन। देखो दोस्तों, पहले इसमें ग्रीन लाइट नहीं आ रही थी, अभी ग्रीन लाइट भी आ गई, ये सप्लाई बन गई। तो अभी अपन 220 बल्ला लगा के चेक करते हैं अपना बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ओके 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 दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, को दुआ में, थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।